हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग ट्यून 2। दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस देती हैं। यानी कि कुछ कहानियाँ होती हैं जिनसे हमें खुद जुड़ने का मन करता है। ऐसी ये कहानी 2024 मई ड्यून 2 की है। ये कहानी 2021 मई ड्यून पार्ट 1 का सीक्वल है। ड्यून एक काल्पनिक रेगिस्तान को बोला गया है। 200 करोड़ डॉलर यानी कि 200 मिलियन की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार 700 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की थी। इस कहानी को जानने से पहले हम थोड़ा इसके पहले पार्ट के बारे में जान लेते हैं, जहां ये कहानी आज से कई सौ साल आगे की है, जिसमें हमने देखा था अराकीज ग्रह यानी कि ड्यून नाम के एक प्लैनेट को, जो पूरी तरह से रेत से घिरा हुआ है। इसके रेत में एक खास तरह का स्पाइस मिलता है, जिसे अगर इंसान इस्तेमाल कर ले तो उसकी आंखें नीली पड़ जाती है और उनमें कुछ अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। वहीं इस स्पाइस को एक फ्यूल या वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में एनर्जी स्टोर्ड है। अब तक इस ग्रह पर हार्पूनन परिवार का राज था, लेकिन एम्परर के कहने पर इसकी जिम्मेदारी क्लेडन ग्रह के राजा ड्यूक को सौंप दी गई है। अराकीज ग्रह के लोग ड्यूक के बेटे पॉल को एक मसीहा के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी ओर पूरा ग्रह अपने हाथ से चले जाने के बाद हार्पूनन परिवार के राजा बैरन बाकी परिवारों के साथ मिलकर क्लेडन ग्रह पर हमला करके सबको मार डालते हैं। साथ ही पॉल और उसकी माँ को बंदी बनाकर अपने ग्रह पर ले जा रहे होते हैं। लेकिन पॉल और उसकी माँ अपनी आवाज से लोगों को कंट्रोल करके सोल्जर्स को आपस में ही लड़वाकर मरवा देती हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात अराकीज ग्रह की फ्रीमेन नाम की ट्राइब लीडर स्टिलगर से होती है। इस ग्रह पर पॉल को वही लड़की चानी मिलती है, जिसके विजन उसको रात को सोते वक्त आया करते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं कि हार्पूनन घराने ने एक ही रात में पूरे एट्रिडीज घराने को खत्म कर दिया है और किसी भी तरह के सबूत पीछे ना छोड़ते हुए उनकी लाशों को इकट्ठा करके जला डालते हैं। क्लेडन ग्रह और अराकीज ग्रह दोनों को अपने कब्जे में पाकर बैरन अपने भतीजे रेबन को वहाँ पर शासक बना देते हैं। इस लालच से भरे युद्ध के अंजाम ने एम्परर सद्दाम और उनकी बेटी इरुडा को हिलाकर रख दिया था। दूसरी ओर अराकीज ग्रह के उत्तर में पॉल को अपनी माँ के पेट में पल रही अपनी बहन के विजन आते हैं। दरअसल पॉल की माँ जेसिका प्रेग्नेंट होती है और ये बात अब तक सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। वहीं हम देखते हैं कि रेबन की सेना अराकीज में आकर फ्रेमेंस के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन पॉल और उसकी माँ जेसिका की मदद से ये सभी लोग उनको मार गिराते हैं और उनकी डेड बॉडी से लिक्विड को निकाल लेते हैं। दरअसल जैसा कि हमको पता है कि अराकीज एक रेत से भरा प्लैनेट है, तो यहाँ पानी की एक भी बूंद जाया करना मूर्खता होगी। इसीलिए फ्रेमेन अपने दुश्मनों या दोस्तों के मरने के बाद उनकी बॉडी से लिक्विड इकट्ठा कर लेते हैं और बॉडीज को सैंड वॉर्म के हवाले कर देते हैं। वहीं लगातार मर रही सेना को देख रेबन गुस्से से पागल उठता है। ऐसा होता देख सेना का सलाहकार रेबन को आराम करने के लिए कहता है, मगर ये बात रेबन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसलिए वो उसको वहीं मारने लगता है और अपनी आर्मी को जल्दी से फ्रेमेंस को मारने के लिए हुक्म देता है। वहीं दूसरी ओर फ्रेमेंस का लीडर स्टिलगर पॉल और जेसिका को अपने लोगों के साथ सिच में लेकर आता है। दरअसल ये सिच एक प्रकार की गुप्त गुफाएं होती है, जो कि मुसीबत के समय में फ्रेमेंस खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिच आकर पॉल को पता चलता है कि यहाँ के लोगों के बीच उनको लेकर दो तरह की विचारधारा है, जिनमें से कुछ लोगों को लगता है कि भविष्यवादी के अनुसार पॉल ही उनका मसीहा है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये दोनों कोई जासूस है। लेकिन फ्रेमेंस के बड़े बूढ़ों का मानना है कि हमें पॉल को रेगिस्तान के हवाले कर देना चाहिए, वहीं इसकी नियति तय करेगा। हालांकि जेसिका के बारे में वो कुछ नहीं बताते। इसके बाद स्टिलगर जेसिका को गुफा में बनी एक खुफिया जगह पर ले जाता है। इस जगह पर भरे हुए पानी को दिखाते हुए वो जेसिका से कहता है कि ऐसे पानी से भरी हुई हमारे पास हजारों जगह है और इससे एक दिन हमारा मसीहा हमारे लिए यहाँ पर हरा भरा स्वर्ग बनाएगा। जेसिका स्टिलगर से पूछती है कि तुम ये सब मुझको क्यों बता रहे हो, जिसके जवाब में वो उसको बताता है कि उनकी देवी माँ मर रही है और तुम एक बेन गेसरेट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी जगह लो। जेसिका जाकर ये सारी बातें अपने बेटे पॉल को बताती है। पॉल पूछता है कि आपका क्या जवाब रहा, जिस पर जेसिका बताती है कि उसे अब तक की सभी देवी माओं की यादें और दुख दिए जाएंगे और मुझे उनको सहना होगा, और अब जल्द ही गुफा के अंदर ही जेसिका को देवी माँ बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। देवी माँ बनाने के लिए जेसिका को एक लिक्विड दिया जाता है, जिसे फ्रेमेंस की भाषा में वाटर ऑफ लाइफ या फिर जीवन का जल कहा जाता है। ये वाटर ऑफ लाइफ छोटे छोटे सैंड वॉर्म्स को पानी में डुबाकर उनकी लार से निकाला जाता है। असल में ये एक घातक जहर है, जिसे मसीहा के अलावा अगर कोई और पी ले तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। जेसिका को ये लिक्विड पीने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसको जबरदस्ती ये लिक्विड पिला ही दिया जाता है। गुफा के बाहर चानी और उसके साथ ही बात कर रहे होते हैं कि पॉल के मसीहा होने वाली बात दक्षिण वालों की बस एक कहानी है। इस पर पॉल चानी से पूछता है कि स्टिलगर मुझ पर इतना यकीन क्यों करता है, जिसके जवाब में चानी बताती है कि वो इसलिए क्योंकि स्टिलगर खुद भी साउथ से ही है। उधर गुफा के अंदर जेसिका के लिक्विड पीते ही
पुरानी देवी माँ को भी पता चल जाता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है। वाटर ऑफ लाइफ पीने की वजह से जेसिका के पेट में पल रही पॉल की बहन का दिमाग समय से पहले ही सक्रिय हो जाता है। इतना सब होने के बाद भी जेसिका के जिंदा बचे रहने के कारण स्टिलगर और उसके साथियों को लगता है कि ये एक चमत्कार है और भविष्यवाणी सच हो रही है, लेकिन चार्ली को इस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए दोनों गुटों में बहस होने लगती है। लेकिन सबको बीच में रोकते हुए पॉल बताता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, मेरी माँ और मुझे शुरुआत से इसकी शिक्षा दी गई है। आगे पॉल कहता है कि मैं कोई मसीहा बनने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम लोगों के साथ लड़ना चाहता हूँ। इस बात से चार्ली शांत हो जाती है, लेकिन स्टिलगर और उसके लोग अभी भी उसको अपना मसीहा मानते हैं। जेसिका पॉल को बताती है कि उसकी बहन अभी से मुझसे बातें करने लगी है, उसे पूरा विश्वास है कि तुम जल्दी सब कुछ ठीक कर दोगे, जीवन का जल पीने के बाद तुम भी सब कुछ साफ साफ देख पाओगे। इसके कुछ दिन बाद युद्ध के तौर तरीके सिखाने के लिए स्टिलगर पॉल को रेगिस्तान के बीच कुछ दिन जिंदा रहने को कहता है। धीरे धीरे चार्ली भी उसकी परवाह करने लग जाती है। एक दिन हार्पनर राज्य के कुछ लोग एरेकस की रेत से स्पाइस चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल चार्ली और फ्रीमेंस की मदद से उनके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। जल्द ही पॉल उसके लोग उनके सभी सैनिक मशीनरी और वेपन्स को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। पॉल की ऐसी निडरता और बहादुरी को देखकर स्टिलगर उसको उसुल और मिदा का नाम देता है। उसुल का मतलब होता है एक पिलर का बेस और मिदा का मतलब होता है रेगिस्तान का चूहा। धीरे धीरे पॉल भी इनमें से एक बनता जा रहा था, या यूं कहें कि ये लोग उसको अपनाने लगे हैं। इन्हीं सब बातों के कारण चार्ली भी उसको पसंद करने लगती है। चार्ली उसे अपना योद्धा वाला नाम स्या बताती है, जिसका मतलब रेगिस्तान का वसंत होता है। पॉल लगातार फ्रेमेंस के साथ मिलकर रेबन की स्पाइस को चुराने की कोशिश को नाकामयाब कर रहा होता है। इस बात से नाराज होकर बैरन रेबन को चेतावनी देकर इस पर ध्यान देने को कहता है। रेगिस्तान में रह रहे लोग अपनी सवारी के रूप में सैंड वॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, और अब समय आ चुका है कि पॉल भी अपने लिए एक सैंड वॉर्म को चुने। जल्द ही पॉल एक सैंड वॉर्म को अपने काबू में कर लेता है, और ये कोई आम सैंड वॉर्म नहीं है, ये अब तक का सबसे बड़ा सैंड वॉर्म है। इस बात सभी लोग बेहद खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा करते ही भविष्यवाणी की एक और बात सच हो जाती है। लगातार आ रहे विजन से पॉल थोड़ा परेशान हो जाता है। चार्ली के पूछने पर पॉल बताता है कि उसे अपने विजन में किसी की परछाई दिखती है। अगर मैंने उसकी बात मानी और दक्षिण में युद्ध किया तो कई लोग भूखे मारे जाएंगे। उधर जेसिका जल्द ही मसीहा के आने वाली बात को फैलाने के लिए कहती है, ताकि और भी फ्रेमन आकर पॉल से जुड़ सके। जेसिका पॉल को अपने साथ दक्षिण में चलने के लिए कहती है, लेकिन पॉल इस बात से मना कर देता है, क्योंकि उसके दक्षिण में जाते ही एक भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है। उसके विजन्स क्लियर होने लगते हैं। उसको जो परछाई अब तक दिखाई दे रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है, जो अभी जेसिका के पेट में है। जाने से पहले पॉल की बहन जेसिका के थ्रू पॉल से कहती है कि भाई तुमको किसी के प्यार में नहीं पड़ना है। जेसिका भी उसको समझाती है कि तुम्हें खुद को राजनीतिक समझौते के लिए बचा कर रखना होगा। जल्द ही उत्तर में रहते हुए पॉल रेबन के बनाए स्पाइस के गोदाम को उड़ा देता है। इससे नाराज होकर रेबन उनके ठिकानों पर हमला कर देता है, लेकिन युद्ध के दौरान वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाता है। जल्द ये बात एम्परर और उसकी बेटी इरुलान तक पहुँच जाती है। उनका मानना है कि कैलेडन ग्रह के राजा ड्यूक के साथ उसका बेटा पॉल भी मारा गया है, लेकिन उनके यहाँ की बेन गेसरेट यानी मदर मुहियाम उनको बताती है कि ये सच नहीं है। पॉल शायद अभी भी जिंदा है और उसको पता है कि उसके पिता को मारने के लिए एम्परर ने ही षड्यंत्र रचा था। इस पर इरुलान फेड रोथा के बारे में पूछती है। दूसरी ओर रोथा एक खेल के दौरान क्लेडन ग्रह के लोगों को मारकर बैरन के सामने अपनी दावेदारी पेश करता है। दरअसल रोथा बैरन का ही दूसरा भतीजा है। उसकी फाइटिंग स्किल से खुश होकर बैरन रेबन की जगह उसको ड्यून ग्रह का शासक बना देता है। मगर इरुलान मदर मुहियाम से पूछती है कि रोथा को कंट्रोल कैसे किया जाए, जिसके जवाब में मदर मुहियाम एक दूसरी लेडी को रोथा के पास भेजकर इस बात का पता करती है। इससे उनको पता चलता है कि रोथा को सेक्सुअली कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही वो लेडी जो रोथा के पास गई थी वो रोथा के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। इधर एरेकिस ग्रह पर पॉल के पिता का दोस्त और पॉल को हथियारों की शिक्षा देने वाले गर्नी रोथा की सेना के साथ स्पाइस को चुराने की कोशिश करता है, इसलिए पॉल और उसके साथी मिलकर इन पर भी हमला कर देते हैं। जहां कई दिनों बाद गर्नी को वापस जिंदा देखकर पॉल काफी खुश होता है और जल्द ही वो गर्नी को अपने साथ ले आता है। पॉल गर्नी को हथियारों की कमी के बारे में बताता है। इस पर गर्नी उनको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां पॉल के पिता ड्यूक ने परमाणु हथियारों को छुपा कर रखा था। उधर जेसिका देवी माँ के रूप में दक्षिण में मसीहा के आने की बात का प्रचार प्रसार कर रही होती है। नॉर्थ में पॉल ने लगभग स्पाइसेस के खनन को पूरी तरह से रोक ही दिया है, और जल्द ही इस बात की खबर इरुलान को भी लग जाती है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए वो समझ जाती है कि ये सब एक युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। दक्षिण में एक बार फिर से जेसिका को वाटर ऑफ लाइफ दिया जाता है, लेकिन वो कहती है कि यहाँ एक आदमी आएगा और तुम ये वाटर ऑफ लाइफ उसको पिला देना।
इधर रोथा सिच पर हमला करके उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए दक्षिण की वॉर काउंसिल सभी लीडर्स को मीटिंग के लिए बुला लेती है, मगर घायल होने की वजह से स्टिलगर पॉल को उसकी जगह जाने के लिए कहता है, पर पॉल जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो दक्षिण में गया तो युद्ध छिड़ जाएगा। रेगिस्तान की आत्माएं पॉल को वाटर ऑफ लाइफ पीने के लिए कहती हैं, इसलिए पॉल चानी को लेकर दक्षिण की तरफ निकल जाता है। जाते हुए वो एक साथी को वहीं उत्तर में छोड़ जाते हैं, जिसे रोथा आकर मार डालता है। दक्षिण में आकर वाटर ऑफ लाइफ पीते ही पॉल देखता है कि एक समुद्र के पास उसकी बहन खड़ी हुई है जो अब बड़ी हो चुकी है। उसकी बहन उसे अपने परिवार से कुछ छुपाए हुए राज बताती है, लेकिन वाटर ऑफ लाइफ पीने की वजह से पॉल कोमा में चला जाता है। पॉल लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी चानी वहाँ पर आ जाती है। पॉल की ऐसी हालत देखकर वो काफी दुखी होती है। स्टिलगर उसको बताता है कि सिर्फ रेगिस्तान की वसंत के आंसू ही उसको बचा सकते हैं। चानी ऐसा ही करती है और देखते ही देखते पॉल होश में आ जाता है। इनके प्यार में ताकत तो है। ये देख चानी को छोड़ बाकी सभी लोग उसे सच का मसीहा मान लेते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। इसके कुछ समय बाद पॉल अपनी माँ जेसिका से पूछता है कि आप बैरन की बेटी हो, क्या इस बात का पता मेरे फादर को था? जेसिका बताती है कि मुझको भी ये बात वाटर ऑफ लाइफ पीने के बाद ही पता चली। पॉल अब जान चुका है कि वो एक एट्रिडीस नहीं बल्कि एक हार्पोनन है। जल्दी वो सबके सामने आता है और यहाँ आती उसे स्टेलगर को मारकर उसकी जगह लेने को कहा जाता है, लेकिन पॉल उनकी पुरानी मान्यताओं को ठुकराकर अपनी मसीहा वाली बात को कहते हुए हरे भरे स्वर्ग की बात करता है। सबको यकीन दिलाने के लिए पॉल वहाँ पर मौजूद उन लोगों को उनके पास्ट के बारे में बताने लगता है। जल्द ही पॉल अपने पिता की सही मोहर लगाकर एम्परर को चुनौती भेज देता है। वहीं राजकुमारी को पता चलता है कि एट्रिडीस घराने को मारने का सुझाव मदर मुहियाम का था। दरअसल मदर मुहियाम का मानना था कि एक समय बाद एम्परर की गद्दी उससे छीन ली जाएगी और फिर एट्रिडीस घराने का राज होगा। इसलिए एम्परर की गद्दी को बचाए रखने के लिए राजकुमारी इरोलिना को गद्दी पर बैठने वाले के साथ शादी करनी होगी। चुनौती स्वीकार करती एम्परर राजकुमारी और मदर मुहियाम के साथ एरेकिस ग्रह पर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर पॉल फ्रेमिस के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति को तैयार कर रहा होता है। एम्परर बैरन से चुनौती देने वाले के बारे में पूछता है, लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। इस बात से नाराज होकर एम्परर बैरन का सपोर्ट सिस्टम तोड़वा देता है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा रेतीला तूफान युद्ध क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन पहाड़ों की वजह से वो रुक जाता है। इसलिए पॉल पहाड़ों पर हमला करके उस तूफान को आने का रास्ता दे देता है और दूसरी ओर खुद सैंडवॉर्म पर सवार होकर हमला कर देता है, जबकि बाकी फ्रेमेंस भी वहाँ पर हमला कर देते हैं। जल्द ही पॉल एम्परर वाले कक्ष में आकर बैरन को ग्रैंडफादर बोलते हुए मार डालता है। अब आप इस कहानी को जितना समझ पा रहे हैं ये उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। इसी के साथ वो बाकी सभी लोगों को कैदी बनाकर रेसिडेंसी में लाने के लिए कहता है। गर्नी पॉल के कहने पर सभी कैदियों और एम्परर को रेसिडेंसी में ले आता है। उधर गर्नी फ्रेमन के साथ साथ मिलकर हार्पोनन परिवार के सभी लोगों को वैसे ही जलाता है जैसे कि उन्होंने एट्रिडीस के लोगों को जलाया था। रेसिडेंसी में पॉल चानी से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। इसके बाद पॉल एम्परर को अपना परिचय देकर गर्नी से कहता है कि अगर किसी भी और घराने ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो तुम स्पाइसेस के सभी भंडार को परमाणु हथियार से उड़ा देना। पॉल एम्परर के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके उसके साथ शासन करूंगा। अब ये सब सुनकर तो चानी का दिल चूर चूर हो जाता है। इसके बाद चुनौती के लिए पॉल एम्परर को उसका योद्धा चुनने को कहता है। यहाँ रोथा एम्परर की तरफ से पॉल से लड़ता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। इसी बीच रोथा पॉल के पेट में चाकू मार देता है, लेकिन पॉल भी कम नहीं पड़ता। वो बड़ी होशियारी से उसी चाकू से रोथा को मार डालता है। इसके बाद पॉल चाकू लेकर एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि पॉल कुछ कर पाता राजकुमारी उससे शादी करने के लिए मान जाती है। इसलिए राजा भी पॉल के फादर के रिंग को चूमकर अपनी हार मान लेता है, लेकिन ये सब देख चानी दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है। जल्द ही गर्नी पॉल को बताता है कि बाकी महान घरानों ने आपके शासन का विरोध जताया है। इस पर पॉल उन सभी को स्वर्ग चलने के लिए कहता है। पॉल की बहन जेसिका से पूछती है कि माँ बाहर क्या चल रहा है, जिसके जवाब में जेसिका उसको बताती है कि तुम्हारे भाई ने बाकी सभी घरानों के खिलाफ एक महान और पवित्र युद्ध छेड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर चानी अपने भारी दिल के साथ नॉर्थ के लिए निकल जाती है, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ड्यून 2 की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।